सत्तरवें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे भी अमृत काल चल रहा है और हम उसके साक्षी भी बन रहे हैं पिछले 9 साल से, और उसकी पराकाष्ठा हमने 22 जनवरी को देखी है ना। ये महान देश है, मैं जैसे मैं कल सत्संग में कह रहा था, मैं बचपन से आरएसएस में रहा तो एक कण कण में देशभक्ति भरी है। लेकिन ये आज मैंने बच्चों को परफॉर्मेंस करते हुए देखा ना, तो मेरी आंखें नम हो गई। ये एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होता है, बहुत दिनों से जरूर आप लोग इस अभ्यास में लगे होंगे, तभी इतना परफेक्शन आ सकता है। और जैसे आज मैंने इन सब में शौर्य रस, वीर रस देखा, आपने भी देखा होगा उनकी चाल में, उनकी वाणी में, उनके गाने में, है ना। ये शौर्य या वीर रस होना भी जीवन में उतना ही जरूरी है। जिस तरह भक्ति से विनम्रता आती है, इसी तरह हमारे अंदर शौर्य और वीरता भी होना बहुत जरूरी है। जब जब कोई भी हमारी संस्कृति को, विनम्रता को कमजोरी के रूप में मानता है, तब हमें शौर्य दिखाकर खड़ा होना होता है। और आज आपने ये प्रदर्शन या ये जो परफॉर्मेंसेस किए, तो मुझे पूरी श्रद्धा बैठ गई कि आने वाली पीढ़ी हमारे देश को सुरक्षित तो रखेगी और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्सर गुरुदेव कहते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति हमें सिखाता है। आप चाहो तो एक जेल के कैदी से भी सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो कि भाई मैं तो ऐसे कुकर्म करके सलाखों के पीछे हूं, आप ऐसा मत करना। एक अल्कोहलिक व्यक्ति ये संदेश देता है कि मैं तो ये पी के मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा हूं, आप नहीं करना। इसी तरह अलग अलग देशों से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और भारत से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो गुरु जी एक बार कह रहे थे, जापान और चाइना से कुछ सीखना है तो टीम वर्क सीखिए। वहां आपको पता है चाइना में सपोज एक सुई बनाना है तो एक गांव केवल सुई बनाएगा, एक गांव केवल साबुन बनाएगा, यानी टीम वर्क में वो लोग काम करते हैं। जापान में भी वैसा है। जर्मनी से कुछ सीखना है तो प्रिसिशन सीखिए। जर्मनी की हर प्रोडक्ट बहुत प्रिसाइज होती है, परफेक्शनिस्ट है वो। अमेरिका से कुछ सीखना है तो नेगोशिएशन सीखिए। वो अमावस्या के दिन भी चांद बेच सकते हैं, इतना उनके अंदर नेगोशिएशन स्किल है। और भारत से कुछ सीखना है तो अध्यात्म सीखिए। ये भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया को शांत, समृद्ध और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है अपना अध्यात्म के बलबूते पर। और ये हम देख भी रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं। तो हम सभी को अपने संस्कृति के प्रति गर्व है, तभी हम यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन ये गर्व हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है। हम जिस शहर से, जिस गांव से आप लोग आज यहाँ आए हो, एक संकल्प लेके जाना। जैसे स्वामी जी ने बताया कि केवल झंडा फहराना उद्देश्य नहीं है, कि मेरे संपर्क में जितने लोग आएंगे उनको मैं ज्यादा जिम्मेदार बनाऊंगा। ये संकल्प लेके जाना कि हमारे देश के प्रति, जब कहते हैं ना आप कोई भी कर्म करते हो तो इस भाव से करना कि ये मेरे देश के लिए योगदान है। एक ड्राइवर भी बस चलाता है कि भाई मेरे 50 पैसेंजर की जिम्मेदारी है, मेरा देश के लिए मैं ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ड्राइवर बन के। इसी तरह कोई भी छोटे छोटे एक्ट को आप जब एक विशालता से जुड़ोगे ना, जीवन में गरिमा महसूस होती है। फिर पृथ्वी पर भी चलोगे ना, पृथ्वी माँ भी गौरवान्वित महसूस करेगी कि आज कोई वीर या एक देशभक्त का पैर पड़ रहा है, वो मेरे ऊपर चल रहा है।